हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। ट्रिगो का क्वेश्चन करेंगे, क्लास 11th। वैसे ही कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ 10² 2 + 10² 4 + 10² 88, मतलब 2 4 6 8 सारी इवन नंबर में 10 के स्क्वायर का सम गिवन है, एक इक्वल है, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 20। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक काम करना होगा, ये जो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, इसको हमें 10 की टर्म में लाना है, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू गिवन है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखो काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसको अगर हम अलग अलग कर लेंगे तो ये हो गया 10² थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर अपॉन दिस कर लें, मतलब एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल जो है 1 से स्टार्ट है, 1 से 89, यानी 1 2 3 4 5 सब आएंगे, लेकिन हमारे पास है 2 4 6 केवल इवन। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि थीटा की वैल्यू में ट्वाइस ऑफ थीटा आ जाए। ट्वाइस ऑफ थीटा आने से क्या होगा कि थीटा की जगह 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, इस तरह से। तो उसके लिए हमें देखो ऐसे करना होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। +2, क्योंकि इसको खोलोगे तो कोट स्क्वायर प्लस 10² माइनस 2 cot θ tan θ, 10 और कोट कट जाएंगे तो कुल मिलाकर यही आ जाएगा। अब इसको मैंने लिख दिया cos/sin। ये आपको करने के बाद समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ट्वाइस एंगल लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये एलसीएम लेके ये आ गया cos²θ माइनस sin²θ, नीचे sin θ cos θ। अब आप देखो, ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता ही है, इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर बन गया cos 2 थीटा और नीचे बन गया sin 2 थीटा। तो इस तरह से ये एंगल का डबल हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये कितना हो गया, 4 cot²2θ प्लस 2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई है जो हमारे को क्वेश्चन गिवन है, थीटा इक्वल्स 1 से 89, कोस की पावर 4 + sin की पावर 4 cos²sin², ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गया, हमारा समेशन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 से 1 से 89। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, समेशन खोलेंगे तो 4 cot², जब 1 रखेंगे तो 2 डिग्री आएगा, 2 रखेंगे तो 4 डिग्री, 3 रखेंगे तो 6 डिग्री, एंड 89 रखेंगे तो cot²178 डिग्री प्लस। और अगर हम थीटा की वैल्यू 1 से 89 तक रखते हैं तो 2 कितनी बार आएगा, 89 टाइम्स, तो ये हो गया 2 × 89, ठीक है, क्योंकि 2 कितनी बार आएगा, 89 टाइम्स आएगा। अब क्या करेंगे, देखो 4 हमें पता है कि cot 180 - θ cot θ होता है, तो इसलिए अगर हम इसको चेंज करेंगे 180 - 2 डिग्री तो cot²² आ जाएगा। इस तरह से ही सारी टर्म दो दो बार आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cot²², cot²², cot89°, ठीक है, +2 × 89, ये है ये हमारे पास। अब ये इसमें से हमारा 2 बाहर कॉमन आ गया, 8 हो गया। इसको मैं सबको लिख सकता हूँ 10² 2 +
कोट स्क्वायर 4 प्लस, सॉरी 10 में चेंज कर सकते हैं सबको, ऐसा किस लिए, क्योंकि 10 की वैल्यू हमारे पे हमें गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 4 से लेके 10 स्क्वायर 89 तक, ओ सॉरी 88, यहाँ पे 88 आया, और प्लस 2 × 89, ये कैसा आया हमारा, क्योंकि हमें पता है कोट 10 सॉरी 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, इसलिए हमने कोट थीटा को ऐसे चेंज कर दिया। बस इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, कितनी है 88 तक की वैल्यू ए, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, ए और 2 × 89, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 4a+89, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 2 89 + 4a यानी सी पार्ट हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।